वहीं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के महिलाओं के पहनावे पर की गई टिप्पणी का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में महिला कांग्रेस ने सीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि महिलाएं किस तरह का पहनावा पहने ये उनका निजी मामला है। हर किसी को स्वतंत्रता है कि वे क्या पहनना चाहती हैं। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वे महिलाओं के पहनावे को लेकर बयान। मुख्यमंत्री का ये बयान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महिला कांग्रेस की तरफ से पुरजोर विरोध किया गया है। मुख्यमंत्री के बयान की निंदा की गई और कहा कि महिलाओं के लिए किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री का ये बयान बर्दाश्त नहीं है। महिलाओं के पास ये अधिकार है कि वो क्या पहनना चाहती हैं क्या नहीं, इस पर किसी की टिप्पणी की जरूरत नहीं है। बयान की निंदा की गई है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के पहनावे को लेकर टिप्पणी की थी। मुख्यमंत्री जी जो उत्तराखंड के हैं तीरथ सिंह रावत जी ने, उनने महिलाओं के लिए आपत्तिजनक एक बयान दिया था जिसमें उनने कहा था कि महिलाएं फटी जींस पहनती हैं और घुटने दिखते हैं। हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं क्या आपकी नज़र घुटनों में कैसे पड़ी और क्यों पड़ी? पहले अगर महिलाएं कुछ पहन रही है उससे आपको क्या परेशानी है? क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, जो चल रहा है हमें वो पहनना ही है। मैं मुख्यमंत्री जी की घोर निंदा करती हूँ और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, आप इस तरह की महिलाओं के लिए बयानबाजी मत करिए। जो परसों मुख्यमंत्री जी ने महिला के कपड़ों पर जो टिप्पणी की उसका विरोध हम कर रहे हैं। उनको इतना उत्तराखंड में बेरोजगारी है, महंगाई है, महंगाई इतनी चरम पर है, महिलाएं वैसे परेशान हैं, गैस महंगी हो रही, उसको लेके उनकी कोई सोच नहीं है। सिर्फ वो महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करेंगे, उनको अपनी सोच बदलनी होगी। उनको पूरे उत्तराखंड के जो सड़क हैं उधड़ी हैं उनको देखना पड़ेगा, न कि लोगों के कपड़ों को फटे हैं या सही हैं। ये उनका कोई अधिकार नहीं बनता है, ये उनको किसी ने अधिकार नहीं दे रखा। जो जिस चीज़ के लिए उनको बिठाया गया है गद्दी पर, मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बारे में वो सोचें, जनता के लिए सोचें। मुख्यमंत्री जी है महिला विरोधी, हमारे ये मुख्यमंत्री जी है, इनने जो हमारे कपड़ों को लेके इस तरीके के विरोध बयान दिए हैं, इससे हम महिलाएं सब काफ़ी आक्रोश में हैं। उनमें महिलाओं के लिए इतने छेड़छाड़ किए जाते हैं, उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया जाता है और महिलाओं के लिए उसके लिए कोई ठोस कदम उठाने के लिए कोई ऐसी ज़रूरत नहीं सोची। महिलाओं के लिए कोई ऐसे शिक्षा के स्तर में ऊँची सोच नहीं रखी कि महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, चाहे वो पॉलिटेक्निक में है, चाहे वो MBBS है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, उनके विकास के लिए नहीं सोचा। उनने आज इतने अपने घटिया बयान देके महिलाओं को जींस को लेके जो टिकट टिप्पणी की है, इसलिए हमारी महिलाएं काफ़ी आक्रोश में हैं और हम आगे भी अभी इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक हमारे मुख्यमंत्री तीरथ रावत हमारी महिलाओं से माफ़ी न मांगे, तब तक हम लोग इनका पुतला फूंकते रहेंगे। तो सीएम का पुतला फूंका गया है, जिस तरीके से महिलाओं की फटी जींस को लेकर मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, इसके बाद से लगातार महिलाओं की तरफ से नाराजगी व्यक्त की जा रही है। कहीं पर पुतले दहन किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर जमकर निंदा हो रही है मुख्यमंत्री की, तो वहीं कांग्रेस भी इस पूरे मामले में लगातार विरोध करती दिखाई दे रही है। महिला कांग्रेस की तरफ से भी पुतला फूंका गया है मुख्यमंत्री का, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात कहती यहां पर कांग्रेस दिखाई दी कि ये महिलाओं का निजी मामला है कि उन्हें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। आक्रोशित महिलाओं ने सीएम का पुतला फूंका है। सवाल यहां पर यह है कि आखिर इस तरीके की टीका टिप्पणी एक सम्मानित पद पर बैठा व्यक्ति कैसे कर सकता है।